दोस्तों जब से मैंने गूगल कैमरा के जो वीडियोज़ हैं उनको बनाया था तब से भाई एक कमेंट मुझे हमेशा कॉमन देखने को मिलता था मेरे गूगल कैमरा के वीडियोज़ के अंदर कि भाई गूगल कैमरा जो है इंस्टॉल नहीं हो रहा है, गूगल कैमरा ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो रहा है, फोर्स क्लोज के एरर्स वगैरह आ रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड काम नहीं कर रहा है, नाइट साइड मोड काम नहीं कर रहा है, एंड यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं अलग अलग यूज़र्स को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कुछ 8 ऐसे डिफरेंट वेज जिसकी मदद से जो है आप यहाँ पर गूगल कैमरा के इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप भी गूगल कैमरा यूज़ करते हो अपने स्मार्टफोन में तो अभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों डायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि आप गूगल कैमरा के सारे इश्यूज़ को कैसे फिक्स कर सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहला वे है यहाँ पर कि आप जो है मेक श्योर कीजिए कि आपका जो कैमरा टू एपीआई है वो प्रॉपर्ली एनेबल है कि नहीं। अगर आपका कैमरा टू एपीआई एनेबल है तो एक बार उसे फिर से चेक कर लीजिए कि आपका जो कैमरा टू एपीआई है वो सक्सेसफुली एनेबल हुआ है कि नहीं। उसके लिए आप सिंपली प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सिंपली टाइप करना होगा प्ले स्टोर में मैनुअल कैमरा कैपेबिलिटी ऐप। आपको वहाँ पर एक ऐप देखने को मिल जाएगी, सिंपली उस ऐप के अंदर से जो है आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कैमरा टू एपीआई है वो सक्सेसफुली एनेबल हुआ है कि नहीं। तो आप उस ऐप से एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए। एंड दोस्तों अगर उसके बाद भी जो है यहाँ पर गूगल कैमरा में आपको कोई भी इशू आता है, जैसे कि गूगल कैमरा ओपन नहीं होता है, नाइट साइड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड कुछ भी कोई फीचर काम नहीं करता है, तो सिंपली क्या कीजिए, गूगल कैमरा पर टैप एंड होल्ड कीजिए, ऐप इन्फो में जाइए, उसे फोर्स स्टॉप कीजिए, उसके बाद क्लियर डेटा कीजिए एंड सिंपली अपने डिवाइस को जो है एक बार यहाँ पर रिस्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप एक बार गूगल कैमरा को फिर से ओपन करके देखिए, उसके बाद जो आपका इशू है वो यहाँ पर ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले वे की। तो भाई जो सेकेंड मेथड मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप क्या कर सकते हो कि सिंपली आपका जो कैमरा टू एपीआई है सबसे पहले उसे डिसेबल कीजिए। अगर आप यहाँ पर स्टॉक रोम यूज़ कर रहे हो असस की तरफ से जो कि एंड्रॉइड पाए पर था, आप सभी को पता है कैमरा टू एपीआई हमें मैन्युअली एनेबल करना पड़ता था, तो आप सिंपली क्या कीजिए उसे जो है सिंपली डिसेबल कीजिए। डिसेबल करने के बाद गूगल कैमरा वगैरह का ऐप को जो है सिंपली अनस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद फिर से एनेबल करके जो है चेक कीजिए कि आपका जो गूगल कैमरा है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इसके बाद भी आपका जो गूगल कैमरा है काम नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, फॉलो कीजिए यहाँ पर थर्ड स्टेप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिंपली फर्स्ट स्टेप को जो है 4 से 5 बार रिपीट कीजिए। रिसेंटली मैंने भी इस इशू को जो है फेस किया था और यहाँ पर मैंने क्या किया कि 4 से 5 बार जो है सिंपली गूगल कैमरा को जो है सिंपली यहाँ पर फोर्स स्टॉप किया, क्लियर डेटा वगैरह किया एंड उसके बाद मैंने रिस्टार्ट किया अपने डिवाइस को 4 से 5 बार, तब जाके भाई मेरा जो गूगल कैमरा है काम किया। तो भाई अगर आपको भी यहाँ पर ऐसा कोई इशू आ रहा है कि गूगल कैमरा ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है तो आप इस मेथड को ज़रूर से ट्राई कर सकते हो और ये मेथड पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड वगैरह के लिए भी जो है काम करेगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी अदर इशू भी आ रहा है जैसे कि पोर्ट्रेट मोड के रिगार्डिंग या फिर नाइट साइड के रिगार्डिंग, तो आप इस वाले टिप को जो है फॉलो कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर भाई अगले वे की। तो भाई आप क्या कर सकते हो कि सिंपली जो भी आपका गूगल कैमरा है सिंपली आप उसे अनइंस्टॉल कीजिए एंड कोई अदर गूगल कैमरा का जो वर्जन है उसे फाइंड कीजिए। जैसे कि अगर आपका गूगल कैमरा वर्जन 7 जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, 7.0 हो गया, 7.2 हो गया, तो सिंपली किसी ओल्डर वर्जन जीकैम को जो है ट्राई कीजिए। वहाँ पर देखिए कि आपके जो ऑप्शंस है काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वहाँ पर सारे ऑप्शंस काम कर रहे हैं तो आप भी अब मान के चल सकते हो कि जो नया गूगल कैमरा है वो आपके डिवाइस के लिए परफेक्टली बिल्ट नहीं है या फिर वो प्रॉपरली आपके फ़ोन में जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से भी जो है शायद नया वाला गूगल कैमरा जो भी आप ट्राई कर रहे हो इंस्टॉल करने की, ऐसा हो सकता है कि वो काम तभी नहीं कर रहा हो। और यहाँ पर बात करते हैं भाई अब अगले वे की। दोस्तों अगर आपने अपने Asus के Max Pro M1 या फिर Max Pro M2 स्मार्टफोन में जो है मैन्युअली यहाँ पर कैमरा टू API को एनेबल किया है तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपली अपने डिवाइस को जो है एक बार फैक्ट्री रीसेट कीजिए, फिर से कैमरा टू API को यहाँ पर एनेबल कर दो। उसके बाद जो आप देखोगे कि भाई गूगल कैमरा जो है परफेक्टली वर्क कर जाएगा। अगर इसके बाद भी काम नहीं करता है तो आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पर अगली टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि एक बार जो है अपने गूगल कैमरा की जो ऐप है उसकी सेटिंग्स को एक बार चेक कर लो। अगर आपका गूगल कैमरा जो है सिंपली आपको ब्लैक स्क्रीन वगैरह के इशूज़ दिखा रहा है या फिर कैमरा में जो है आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, तो आप इस वाले टिप को जो है फॉलो कर सकते हो। सिंपली सेटिंग्स जाके जो है चेक कर लो कि भाई सेटिंग्स जो है आपने कुछ ज़्यादा चेंजेस वगैरह तो नहीं किए। अगर आपने चेंजेस वगैरह किए हैं तो सिंपली आप जो कैमरा की सेटिंग्स है उसे सिंपली रीसेट कर दो या फिर आप अनइंस्टॉल करके फिर से आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसकी मदद से जो गूगल कैमरा की सारी सेटिंग्स है वो यहाँ पर रिस्टोर हो जाएंगी। दोस्तों अगली टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि भाई आप सिंपली क्या कीजिए कि ओल्डर गूगल कैमरा का जो भी वर्जन है आप सिंपली उन्हें यूज़ कीजिए। मैंने काफ़ी बार यूज़र्स को देखा है कि भाई यूज़र्स जो है लेटेस्ट गूगल कैमरा इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जो गूगल कैमरा है भाई प्रॉपरली काम ही नहीं करता है। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके डिवाइस में जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है लेटेस्ट जीकैम, तो आप सिंपली ओल्ड जीकैम को यूज़ कीजिए। जीकैम 6 यूज़ कर सकते हो, जीकैम 6.3 यूज़ कर सकते हो, कोई भी पुराना गूगल कैमरा यूज़ कर लो, वहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर अगली टिप की। तो भाई सबसे पहले अगर आप गूगल कैमरा कोई भी अपने स्मार्टफोन के लिए ढूंढ रहे हो, अगर आप Max Pro M1 के लिए भी ढूंढ रहे हो, सबसे पहले आप चेक करो कि भाई गूगल कैमरा आपके फ़ोन के लिए अवेलेबल है कि नहीं।
ऐसा नहीं होना चाहिए भाई आपके स्मार्टफोन के लिए गूगल कैमरा अवेलेबल ही ना हो और आप भाई गूगल कैमरा इंस्टॉल पे इंस्टॉल करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले चेक करो कि भाई आपके स्मार्टफोन के लिए जो है एक परफेक्ट जीकैम जो है अवेलेबल है कि नहीं। पर्सनली अगर आप एक बेस्ट जीकैम ढूंढ रहे हो तो बेस्ट जीकैम का जो वीडियो है कल आने वाला है, आप उसके लिए जरूर से स्टे ट्यून कीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर भाई अब अगले टिप की, तो भाई अब फाइनल जो टिप मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पर मैक्स प्रो M1 और मैक्स प्रो M2 यूजर्स को गूगल कैमरा के इश्यूज़ के रिगार्डिंग, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो कस्टम रोम को। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे शॉमी फोन में मैंने ऐसा देखा था, जैसे कि रेडमी नोट 4 की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, तो दोस्तों मैंने अपने Redmi Note 4 में जो है कुछ टाइम पहले कैमरा टू API को एनेबल किया था MIUI 10 पर, लेकिन यहाँ पर भाई इशू मुझे क्या आ रहा था कि भाई जब भी मैं कैमरा टू API को एनेबल कर रहा था और गूगल कैमरा यूज़ कर रहा था, गूगल कैमरा ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा था, फोर्स क्रैश वगैरह हो जा रहा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर एक कस्टम रोम को ट्राई किया जो कि था पिक्सल एक्सपीरियंस, और वहाँ पर जो गूगल कैमरा था काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था और काफ़ी अच्छे से फोटोज़ वगैरह को जो है क्लिक कर रहा था। तो आप जो है क्या कर सकते हो कि कस्टम रोम वगैरह को जो है ट्राई कर सकते हो अगर आपके डिवाइस की जो है वारंटी वगैरह पूरी हो चुकी है, एंड भाई आप अगर आप Asus के जो बग्स हैं उनसे परेशान हो चुके हो तो आपके लिए सही टाइम है एक कस्टम रोम को ट्राई करने का। तो दोस्तों यही कुछ मेथड्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको गूगल कैमरा के रिगार्डिंग कोई भी इशू आ रहा है, फोर्स क्लोज वगैरह हो रहा है, क्रैश हो रहा है आपका एप्लीकेशन, तो आप इन सारे टिप्स को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सारी टिप्स ढूंढी हैं, यहाँ पर मैंने आपको 9 तरीके बताए हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था 8 पे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 9 तरीके बताए हैं। तो भाई कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपका जो गूगल कैमरा है इन सारे मेथड्स के बाद जो है काम कर रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर आपका गूगल कैमरा यहाँ पर इसके बाद भी काम नहीं करता, मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको हेल्प कर पाऊँ। और अगर आपको ज़्यादा हेल्प चाहिए तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर से DM कर दूँगा। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है बैटरी ड्रेन के रिगार्डिंग, गूगल कैमरा के रिगार्डिंग या फिर और कोई भी इशू है तो आप मुझे वहाँ DM कर दो, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो दोस्तों मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो द एंड्रॉइड चैनल, मिलता आपसे अगले वीडियो में।